हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ अच्छा किया हुआ है ना, काफी प्यारा लग रहा है। क्रिया से पूरा प्रेम यहाँ दिखाई। हे फैमिली, तो हम लोग निकल चुके हैं पार्टी के लिए और ऐसे कैसे नेल पेंट नहीं लगाया था, तो ऐसे से लगाया। बाकी गिफ्ट जो भी था वो ले लिए और फिर चल पड़े। हम आधे घंटे में पहुँचेंगे, अब हुआ तैयार हो चुका है। नया नया टैडी वाला कपड़ा नया नया पहन लिया है। मैचिंग मम्मा से मैचिंग, मम्मा बॉय। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके थे और शिवांश के लिए अभी दादाजी लेके आए हैं पेरा, और यहाँ का पेरा बहुत अच्छा होता है, फेमस है। सारा पेरा खा जाएगी मम्मा, खा जाएगी सारा। लो पापा खाएंगे नहीं। तो सभी को मिला है एक एक पेड़ा। मम्मी नहीं खाएगी अभी। जान शादी का है हाथी, कितना अच्छा डेकोरेशन है। आजू बाजू को हाथी है, ऊंट भी है। हाथी बाय कर दो, हाथी को बाय 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 हाथी। हाथी पे बैठेंगे, हाथी पे बैठेंगे। हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ का एंट्री कितना प्यारा है ना, अच्छा लग रहा है। एंट्री बहुत प्यारा था और यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। ऊपर का डेकोरेशन वाओ। मैं पहली बार आई हूँ, ये आ चुके हैं और शिवांश अभी सो गया है। यहाँ पे तो गजब गजब डेकोरेशन इतना प्यारा है। तो आ चुके हैं हम पार्टी हॉल में। यहाँ पे ननद जी से मिले, उनकी फैमिली से मिले, सभी से आशीर्वाद लिए और बहुत ही अच्छा लगा उनसे इतने दिनों बाद मिले थे और एनिवर्सरी थी। बाकी जगह तो बहुत ही खूबसूरत थी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी पतिदेव कह रहे थे कि यहाँ पे वो आ चुके हैं पहले भी, तो थोड़ी बहुत उनसे मजाक चल रही थी, नोकझोंक। और दो कार थी हमारी, वो अभी आनी बाकी थी, जिसमें बड़ी वाली भाभी, बड़ी माँ ये सब थे और आंटी थी और छोटे वाले पापा थे। तो वो लोग अभी आए नहीं थे, सबसे पहले हम ही लोग आ चुके थे और वो लोग थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे। तो अभी हम उन लोगों तो का वेट कर रहे थे पार्टी के लिए। और अभी ये रहा पार्टी हॉल, अभी इसके अंदर जा रहे हैं। काफी प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है। हम लोग पहले आ गए हैं और अभी रवीना जी की मम्मी ये सब नहीं आए हैं, पापा वो सब नहीं आए हैं, भाभी नहीं आई है बड़ी वाली, सबसे पहले हम लोग पहुँचे। तो धीरे धीरे सभी लोग आ रहे थे और मैंने ये ब्लू वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगी और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये बताइएगा। बाकी मैंने ये वाली साड़ी एकदम सिंगल पल्ला लेके किया हुआ है और कभी कभी आँचल अगर डालना हो रहा है ना तो मैं ऐसे रख रही हूँ आँचल। और ये साड़ी जो है ना बहुत स्लिप कर रहा है, मतलब आँचल रखने में बिल्कुल बन नहीं रहा है। एकदम सर पे रखो और तुरंत गिर गिर जा रहा है, मेरा तो सर दर्द हो गया था। बार बार रखो और बार बार गिर गिर जा रहा था। पधारिए। फाइनली आ चुके हैं पार्टी में और अभी मैं तो भूख लगी है, खाना खाएंगे, केक कटिंग का सेलिब्रेशन होगा और चलो चलो। बड़ी माँ का लुक देख सकते हैं मुझसे एकदम मैचिंग मैचिंग। भाभी कहाँ भाग गया, इधर आइए, लुक दिखाइए अपना थोड़ा सा। चलो चलो। तो अभी ये D3 कैप है, बहुत ही प्यारा है डेकोरेशन, यहाँ का काफी प्यारा लगता है। मैं इससे पहले कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे, अभी मैं इसमें 10 बार से ऊपर आए हुए हैं। इसमें इसमें हम 10 बार से भी ऊपर आए हुए हैं। सोचिए भाभी, सोचिए। गर्लफ्रेंड है। ये लोग पहले तो नाना जी का लुक देख सकते हैं, कितनी प्यारी लग रही है। ये लोग फोटो खिंचाने की इतने दिनों बाद मिले थे हम लोग, तो सोचा कि थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। लेकिन बैठे हुए थे यहाँ पे, ब्लू लाइट ऊपर से आ रही थी, फेस ब्लू ब्लू हो जा रहा था, तो हंसी आ रही थी। और धीरे धीरे सभी गेस्ट आ रहे थे पार्टी में और देख सकते हैं सारे लोग, इतने सारे लोग आ चुके हैं और धीरे धीरे सभी लोग आ रहे थे। बाकी रवीना जी की मम्मी भी थोड़ी देर में आ गई हैं। तो ये रही छोटी वाली आंटी, आ गई और
अब माँ बेटी का मिलना होने वाला है इतने दिनों बाद। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लग रहे थे दोनों, इतने दिनों बाद मिले थे। तो थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आया है सबसे पहले मंचूरियन, और इस रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। मम्मी को भी अच्छा लगा। वैसे तो फास्ट फूड मम्मी को उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मम्मी को भी अच्छा लगा था यहाँ का। अभी स्टार्टर में मंचूरियन आ चुका है। सारे लोग मंचूरियन पे टूट पड़े हैं। मम्मी खाते खाते थोड़ी सी रुक गई थी, कहीं ये नॉनवेज तो नहीं। तो पहले आया मंचूरियन और अभी आ गया है मस्त वाला चिकन मोमो। क्या? नहीं, पनीर मोमो। और मम्मी कैसा लगा बताइए? मतलब मुझे लगता है कि पहली बार मम्मी बोली इतना टेस्टी मोमो खा रही है। और मैं भी मम्मी फास्ट फूड को कभी भी अच्छा नहीं बोलती, लेकिन पहली बार मम्मी मोमोज को अच्छा बोल रही है। काफी टेस्टी मोमो है और सभी लोग उधर खा रहे हैं। और ये देखो पापा जी हैं, इधर भाई, छोटू भैया, कन्हैया और इधर सारे फैमिली मेम्बर्स सभी बैठे हुए हैं अभी। और यहाँ देखो कितना मस्त मोमो है, पूरा मोमो खत्म हो चुका है, सभी लोगों का पेट भर गया। अभी और भी आइटम आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टर ही चालू हुआ है, मेन कोर्स बचा हुआ है। हाँ। तो आराम से खाना है। तो सारे गेस्ट जो भी है आ चुके हैं, सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और अब कटने वाला केक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, अब कटने वाला है केक। एक साल पहले इसी दिन इसी टाइम शादी ब्याह हो रहा था और आज एनिवर्सरी हो रही है। दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता, कैसे निकल गया एक साल पता ही नहीं लगा। और यहाँ पे केक कटिंग अभी होने वाला है, अभी केक काट रहे हैं। केक कटिंग हो चुका है, बाकी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिला रहे हैं और सभी लोगों को भी खिला रहे हैं। और यहाँ पे गुलदस्ता रखा हुआ था, तो मैंने नंदोई जी से कहा कि ये गुलदस्ता रखा क्यों हुआ है, आप दीजिए। तो वो दे रहे थे ऐसे ही सिंपली। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, आपको झुक के देना होगा। तो थोड़ा सा मजाक चल रहा था वहाँ पर, मैं और भाभी मिल के दोनों मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर मिल जाता है नंद जी को गुलदस्ता और काफ़ी हैप्पी हो जाती है। उनके फेस पर स्माइल देख सकते हैं, कितना ग्लो वाला एकदम स्माइल है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर सभी को खिलाया जा रहा है केक और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अगला साल को लोहिया का तो ननद जी को खिला दिया था केक और यहाँ पे मेरे खाने की बारी, और इतना बड़ा केक मेरे मुंह में। सभी लोग केक खिला चुके हैं, अब ये लोग गए हैं केक खिलाने के लिए। तो पहले तो फोटो शूट हो रहा है इन लोगों का, उसके बाद अभी देवर जी खिला रहे केक। अभी सभी लोग गिफ्ट देने के लिए आ चुके हैं। तो सबसे पहले बड़ी माँ आ चुकी हैं और बड़े पापा आ चुके हैं, छोटे वाले पापा जी आ चुके हैं। तो सभी लोग यहाँ पे देवर जी और पति देव भी आ चुके हैं गिफ्ट लेके। अब यहाँ पे कन्हैया जी पहना रहे हैं नंदोई जी को रिंग, फर्स्ट एनिवर्सरी पे स्पेशल सा छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट। और यहाँ पे सार्थक को चाहिए था केक। केक तो बच्चों के लिए ही होता है, मतलब हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोगों को भी केक खाने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत टेस्टी लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए ना, वैसे वैसे अब तो मन ही नहीं करता खाने। अभी जा रहे खाना खाने के लिए। हमारा खाना आ चुका है, ये शायद मशरूम है और वो पनीर की सब्जी। बाकी ये लोग उधर खा रहे हैं और हमारा खाना इधर चल रहा है। और ये सिद्धि को फोन पे खिला रही है रवीना जी। सब लालच आ रहा है, बताओ तो, बेचारी को लालच आ रहा है, प्लेटें दे रही है मम्मी। वो भी होती तो कितना अच्छा लगता है। नहीं यहाँ पे और सब लोग उसको ललचा रहे हैं कि लो प्लेट।
मशरूम भी खिलाओ 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 भाभी मशरूम भी खिला रही है जाओ अभी आप लोग सुनो हे फैमिली तो शिवांश सोया हुआ था अब शिवांश भी उठ चुका है ना बेटू बेटू किसका किसका हैप्पी बर्थडे है हैप्पी एनिवर्सरी है बुआ का हैप्पी एनिवर्सरी है लाइट है हाँ खिर तो इस होटल का नाम है D3 दिल दोस्ती और दुनिया चलो चलो अंदर चलते हैं तो अभी आ चुका है गर्मा गर्म दाल चावल खाए मम्मी बेटा क्या खाएगा मेरा मेरा बेटा अरे शिवांश का हाँ देखो हाँ फिया रहा है इसको तो खाना पीना हो चुका है और शिवो को जाना है घर एकदम हड़बड़ी में है जल्दी चलो जल्दी चलो हाँ और आप लोग का अगर आशीर्वाद रहा तो मेरा भी अगला साल यहीं पे एनिवर्सरी बनेगा मेरा गुल्लू या हाँ बुआ चलेगी बुआ चलेगी बुआ के लेके चलो बुआ के लेके चलो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो लेके चलो क्या है दूसरा गाड़ी से आएगी तो सभी से आशीर्वाद लेते हुए अभी जा रहे हैं घर विदाई टाइम